नमस्कारम शेषे पुण्यतीर्थय ससौ असिद्धे विशुद्ध साभावे समणेयणान दंसन चरित तव वीरियायारी देते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामी अवटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणम् तरणमो गणहराणम् अज्जावैवदाणम् साहूणम् चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन प्राणपहाड़ा समं समासेज उवसंपयामि सम्मं जतोड़ी बाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम गाथा 111 ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार पृष्ठ 234 मूल गाथा ले सबसे पहले एवं भी हम सहावे दौवं दौवत्थ पज्जयाथे सदस भावणि बद्धम पाडु भावं सदा लभदि। बाद में मेरा जो चिंतन चला उस पर बता रहा हूँ। एक तो जो पिछली बार मैंने शुरू किए थी बात एवं विहम सहावे, जबकि सामान्य व्याकरण से होना चाहिए था विहे सहावे, ठीक है ना। एक तो बात ये थी, दूसरी इसमें जो है जो पिछली बार एक तरह से चला ही नहीं था पाडु भाव हो जो भी हो दोनों सही है, पादु कर देते हैं सदा देखो। इसमें हम ये बहुत गंभीर प्रकरण हो गया आज एवं में हम साहब एवं उत्तर इससे मिलेगा। वह सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त होता है। कौन प्रादुर्भाव को प्राप्त होता है? प्रादुर्भाव स्वयं क्रिया है ना, इस कर्म और क्रिया क्लियर है, इसलिए क्या तो प्रश्न बनता है कर्म के लिए। अगर हाँ। तो क्या करता है हाँ। तो पढ़ाई करता है हाँ। तो वो तो कर्म के लिए। प्रादुर्भाव स्वयं क्या का उत्तर है? अच्छा। प्रादुर्भाव प्रकट होना, उसको वह प्राप्त होता है, तो कर्म नहीं चाहिए, क्या का प्रश्न नहीं चाहिए। प्रश्न ये है कौन हाँ। भाई प्रादुर्भाव को प्राप्त कौन हो रहा है? द्रव्य, पर्याय या सत्ता? प्रश्न समझ में आया क्या? प्रादुर्भाव को प्राप्त कौन हो रहा? द्रव्य हो रहा, पर्याय हो रही या सत्ता? अभी पिछले प्रकरण में यही चीज चल रही थी, द्रव्य में गुण भी एक तरह से मिक्स मान लो, तो चाहे चार ले लो कि द्रव्य, गुण, पर्याय या सत्ता, ठीक है ना। क्या प्रादुर्भाव को प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। क्या मतलब कौन प्रादुर्भाव को प्राप्त हो रहा है, इसका कर्ता कौन है? वाक्य का जो आचार्य देव कह रहे हैं ना, सद सद्भाव निबद्धम, सत और असत भाव से निबद्ध, ठीक है, वह सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त होता है। आप देखिए असत भाव से निबद्ध सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त कैसे होगा? भाई सद्भाव से निबद्ध सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त हो ये सहज है, कठिन बात नहीं। संज्ञा भाई समझ में आ रही है? थोड़ा ये क्या है सूक्ष्म चर्चा, इनमें दृष्टांत वगैरह सब नहीं होने से, भाषा भी थोड़ी सी टू द पॉइंट चलने से हम लोग ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। सूक्ष्म तत्व ज्ञान में आपको भाषा नहीं बदलना चाहिए, चोट खा जाओ, ये ध्यान रखना। ये वाक्य भले ही आप जैसे इतनी चीजें नोट करते नोट कर लेना, जहां सूक्ष्म तत्व ज्ञान की बातें हों वहां मात्रा भी नहीं बदलना चाहिए। अपनी ओर से मत जोड़ो, उसको समझने की इतनी चाहे कोशिश करो, मूल सब जीव का त्यों उससे आप कभी धोखा नहीं खाओगे। जो मैंने कहा कि सद्भाव से निबद्ध सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त हो, सतरूप हमेशा प्रादुर्भाव को प्राप्त हो, ये तो समझ में आता है।
लेकिन असद भाव से भी जो निबद्ध है वो भी सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त हो। सदा देखो ना, क्लियर दिया हुआ है, सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त हो, उस मतलब समझ रहे हो? नहीं आगे मैंने क्या कहा था, पर्याय जो है वो भी कभी नष्ट नहीं होती, उस काल में वह सदा त्रिकाल विद्यमान रहती, ये बात आई थी अपनी बात, वो बात तो ये शुद्ध अशुद्ध त्रिकाल जो कुछ भी है, देखो पर्याय असली चीज तो ये भूल ही जाओ, जब आप केवली बन के गए तत्व को देखोगे तो कहीं कोई अशुद्धि है ही नहीं, आप मोक्षार्थी बन के देख रहे हो तो आपको सौ अशुद्धि है, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पेंट वो नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं, इसमें वही अंतर है संजय भाई, आपकी बात को टोक रहा हूं, उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कहीं क्यों टोक रहा हूं, जो केवली के ज्ञान का विषय ये है उसमें कोई पर्याय शुद्ध नहीं है, ये अशुद्धि किसकी है, ये अशुद्धि हमारे लिए है, जैसे आपको समय समय का पर्याय मत देखो, पर्याय मत देखो, पर्याय पर समय हो जाओगे तुम अशुद्ध हो जाओगे, विकृत हो जाओगे तुम्हारी, इस जितने जो बंधन लगाए, कल का मेरा लेख पढ़ा रात को पोस्ट किया था, कल दिन में तो आपके एरिया में था, दिन में तो चांदनी चौक था, ठीक है, कुछ अब वो मंदिर के लिए चटाई वटाई लेना था, कुछ काम थे, खैर ये चर्चा नहीं करना चाहिए, तो मैं वहीं था, सारा कर करा के देर तक पहुंचा मैं, 7:30 बजे करीब घर, और पहुंचने के बाद सिर्फ ब्रश किया और मैं लिखने बैठ गया, और उसके बाद वो लेख लिखा जो समय सार जी की पूरी दृष्टि ऑन दी हॉल है, समय सार क्या, उसके पीछे आचार्य का विजन क्या है, उसमें एक बढ़िया बात आई जो चीज यहां लागू पड़ेगी अभी आपको, उसमें क्या दिया उन्होंने कि अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए समय सार जी है, किसको अप्रतिबुद्ध सुना था, लेकिन उसमें जो खुलासा किया वो आपको मारने का, अप्रतिबुद्ध माने क्या, जो पूरा पढ़ा लिखा पंडित है, जिसे आता सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं अटका हुआ, आप डिफरेंस समझ रहे, उसको प्रतिबुद्ध बनाना, वो है यहां अप्रतिबुद्ध, अप्रतिबुद्ध माने नितांत ज्ञानी निगोदिया या विकलत्र का जीव, समझ गए ना, यह अप्रतिबुद्ध नहीं है, अन्य मति भी अप्रतिबुद्ध नहीं है, जो बाकायदा जन तत्व ज्ञान की बात करता है, सुनता है, समझता है, वो कहां अटका हुआ भाई, तू कहां अटका है, उसके लिए उन्होंने एक नई दृष्टि दी, समझे, तू पर्याय की दृष्टि छोड़, इसका अर्थ तुझे अनुभव नहीं हो, तू पुण्य को अच्छा मानना छोड़, इस कारण से नहीं हो, पूजन करते हो तो खुशी होती है, व्यापार करते हो दुख होता है, ये दो अशुद्ध अशुद्ध पर्याय तुझे दिखती क्यों, अच्छी हो बुरी दिखती क्यों, डिफरेंस बात वही आ गई जो अभी आपसे चर्चा चल रही थी, कोई पर्याय अशुद्ध नहीं होती, ये हमारा दृष्टिकोण है, जैसे पर्याय को वहां निषेध किया तो वो क्या है, दृष्टिकोण है, वो वस्तु में निषेध नहीं किया, अरे समझा किसको रे, सुधार किसको रे, पर्याय को, प्रतिबुद्ध कौन होगी, ज्ञाय क्या पर्याय, पर्याय होगी, वो पर्याय को बता रहे पर्याय गलत है, पर्याय झूठी है, पर्याय नहीं होना चाहिए, पर्याय मत देखो, तुम अपनी ओर नहीं देखो, तुम त्रिकाली की ओर देखो, इतनी तो कह रहे हैं ना, लेकिन पर्याय का निषेध कहां से होगी, जब समझाई उसको रहे तो निषेध कहां से होगी, एक मैं तो आपको चुटकुलासा सुनाता हूं कि किसी ने कहा, किसी ने पूछा कि तुम क्या भूतों में विश्वास करते हो, दूसरे का क्या तुम नहीं करते, और गायब हो गए, ये तो ऐसा है जो कह रहा है प्रमाण देने के लिए, वो खुद कौन है कि पर्याय, जिसको पर्याय नहीं देखो तो ये किसको कह रहे हैं, ये पर्याय को कह रहे हैं, त्रिकाली को कोई चक्कर ही नहीं है, ध्रुव को तो चक्कर ही नहीं है, उसे पर्याय का विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि विकल्प नाम ही पर्याय का, लेकिन जो आपका प्रश्न था और यहां प्रवचन सार की जो शैली है, उन दोनों में अंतर देखिए, केवली की ज्ञान में कोई पर्याय शुद्ध नहीं, ये हमारे प्रयोजनों से शुद्ध अशुद्ध होता है, हमें दुख हुआ तो अशुद्ध, सुख मिला तो शुद्ध, और सुख भी कौन सा, अभी तो जानते ही नहीं है सुख क्या है,
अभी तो इंद्रिय सुख को ही बाहरी तुलनात्मक रूप से बेहतर है। हाँ मैं गधों से बेहतर हूं, तुलना किससे कर रहा हूं ये तो बता। अरे तुलना करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जैसे भी महाराज हमसे तो बेहतर, तुलना किससे कर रहे हो? ज्ञानी की तुलना ज्ञानी से होगी कि अज्ञानी से होगी? समझ गए ना, तो अज्ञानी उसे ज्ञानी की तुलना कर रहे हैं। कोई अलीर किससे तुलना का जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझे ना। तो यहां जो बात कह रहे हैं केवली की दृष्टि में जो भी पर्याय है, पहली तो वो अशुद्ध नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो अशुद्धि आ जाए, केवली को यदि अशुद्धि दिख जाए तो वो कभी शुद्ध हो नहीं सकती, क्यों? केवली सिर्फ वस्तु स्वरूप को यथार्थ को देखती, वो प्रयोजनों को नहीं देखती। मैं इसके लिए सबसे सटीक दृष्टांत देता हूं, डॉक्टर को यदि अंग दिख जाए तो वो डॉक्टर बनने लायक नहीं, ठीक है, उसे सिर्फ बीमारी दिखे जब तक कुछ सब कुछ खुला रहे कोई खतरा नहीं, और यदि बाकी दिखने लगे सारा खतरे का, समझ गए। केवली को यदि दिख जाए तो सारी गड़बड़ी शुरू होगी, फिर तो वितरकता खत्म होगी, समझ गए। क्यों? वस्तु विकारी आज तक नहीं हुई। वस्तु विकारी हो जाए तो शुद्ध कौन होगा? विकार किस में? हमारे भ्रम में। हमने मान रखा मुझे ऐसा हो गया, भूत चढ़ गया मेरे को, वो जी साहब बहुत बोलते हैं तो भूत लग गया, भूत बोलते थे ना ऐसे, ये भूत लग गया, मिथ्यात्व का भूत चढ़ा तेरे को, ऐसा बोलते थे। उसका मतलब क्या? वो कुछ होता नहीं है, तू वैसा हो नहीं गया, भ्रम से लग रहा हुआ ऐसा कुछ नहीं, समझ गया। सपने में देख लिया मैं लुट गया, सपने में देख लिया मैं अरबपति हो गया, तो बैंक में अरब रुपए नहीं आ गए, और लुट गया तो तेरे चले नहीं गए, लग रहा तो उसका कोई इलाज ही नहीं, लग रहा, ठीक है ना, समझेगा। ये बड़ा भारी अंतर है, वास्तव में पर्याय कोई विकारी नहीं है, और जो असद्भूत भी है चुकी आपके दृष्टि से जो अतीत पर्याय है वो भी सदा पादुर्भावम लवदी, वो सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त होती है, किसके? केवली परमात्मा के ज्ञान में वह उस काल में सदा प्रादुर्भूत है, सत है भैया वो, कोई और नहीं है, और सत का अभाव यदि हो जाए तो भाई साहब केवली कहां रहेंगे भाई, वो तो नष्ट हो गया तो चला गया तो केवली जानेंगे कैसे, असत को जानेंगे क्या? कहते जो आपके लिए असत है शोपसम ज्ञानी के लिए, वह केवली के ज्ञान में वो भी सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त होती है, त्रिकाल प्रादुर्भाव को प्राप्त होती है, सदाकाल प्रादुर्भाव को प्राप्त होती है, कोई पर्याय का कभी व्यय नहीं होता, व्यय नहीं होता बोले उस काल में, क्योंकि केवली को सर्वकाल दर्शी है ना, सभी काल दिख रहे हैं ना ख्याल में। एवं व्यम सह, इस प्रकार से ये अव्यय हो गया, एवं यम क्या है? ये अव्यय है, ये इसका विशेषण नहीं है। इस प्रकार से जो स्वभाव में द्रव्यार्थ से और पर्यायार्थ से, द्रव्यार्थ को भी देखते हैं पर्यायार्थ को भी देखते हैं, पर्याय अब यहां अर्थ का अर्थ आज क्लियर होगा आपको, अर्थ माने वह अपने आप में परिपूर्ण वस्तु स्वरूप, पर्याय को परिपूर्ण वस्तु क्यों नहीं कहते? प्रश्न ख्याल में आ, क्या पर्याय को पूर्ण वस्तु क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप कहते वो पहले थी नहीं, उदय होती है नष्ट होती है, इसीलिए तो नहीं कहते ना, जो तकाल रहे सदा काल रहे वो परिपूर्ण वस्तु, ये आपको लगता है। अब यहां कह रहे कि पर्याय भले ही एक समय की हो, लेकिन मैं अपने उत्पत्ति के अनंत काल पहले भी उस काल में उत्पन्न थी, केवली के ज्ञान में अनंत केवलियों ने उसको उस रूप में जाना, ठीक है ना, और जब वह कितने काल पहले नष्ट हो चुकी, वह केवली के ज्ञान में अभी भी उस काल में ज्यों की त्यों विद्यमान, वो नष्ट नहीं है। यदि ये नष्टपना आ जाए तो पर्याय को भी सत नहीं कह सकते, इसीलिए मैंने जो बार बार आपको कहा
कि पर्याय शब्द प्रयोग नहीं करो आप, उत्पाद व्यय को सत कहा आचार्यों ने, पर्याय को सत नहीं कहा। क्यों? पर्याय माने परिणमन, बदलना। जब आप जिसको कह ही रहे हैं बदलना, वो सत कैसे बदलते? नाम निक्षेप नहीं है, अंतर समझे कि नहीं समझे? पहले शब्द थोड़े कठिन हो जाते हैं, लेकिन दृष्टांत है। नाम निक्षेप नहीं है, नाम निक्षेप नहीं है माने नाम का भाव से कोई अर्थ नहीं होता। काम चलाने के लिए जो रख लेते हो नाम है, फकीर चंद नाम हो, अरबपति बना रहे, छदा मिला नाम था सेठ जी, इतने बड़े सेठ थे, समझ गया ना है? और लखपत राय नाम हो और भी मांगता हो, कौन सी बड़ी बात? नाम निक्षेप। तो ये जो बात है, ये नाम निक्षेप की, सत कभी नाम निक्षेप का नहीं होता है, सत हमेशा भाव निक्षेप का। चूंकि पर्याय वो जो परिवर्तनशीलता के कारण नाम रखा गया, वो नाम निक्षेप मूलक जाता है। नाम निक्षेप मूलक है, यही तो कह रहे हैं भाई। केवली के ज्ञान में तो बदली ही नहीं ना, उस काल में सदा विद्यमान है, तो नाम ही निक्षेप तो रह गया। आपको जो पढ़ा दिया गया, पर्याय माने परिणमन, पर्याय माने परिवर्तन, ठीक है ना? ऐसे तो बच्चों से भी आप नाम का अर्थ पूछते कि नहीं पूछते? बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा फला नाम है, क्या मतलब होता है इसका? बच्चे बताते कि नहीं बताते? ये इतना ही अर्थ है, उसका मतलब उसके स्वरूप पर घटित होना नहीं है। जो बच्चा अपने नाम का अर्थ बता दे, इसका मतलब वो वैसा अपने आप को मानने लगे, ये है क्या? नहीं है ना? यही अंतर बताओ। नाम निक्षेप का मतलब ये, नाम निक्षेप का मतलब उसका वो अर्थ नहीं होता, ये नहीं। नाम निक्षेप का मतलब ये है कि वो उसके नाम के अर्थ में तो घटित होता है, डिक्शनरी तक तो सही है, लेकिन उसमें खोजने जाओगे तो सही। एक समय की पर्याय भी जो असत मान ले, वो आपकी पर्याय दृष्टि से असत हो सकती है, ठीक है ना? जिसको आप असत कहते हो पर्याय दृष्टि से, वो भी सदा पादुर्भावम लभती, वो सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त होती है। केवली के ज्ञान में वो कभी अस्त होती। एक बात बताओ, अंतरिक्ष में ऐसी जगह पर पहुंच जाओ कि जहां से सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य तो अस्त होते ही नहीं, वो तो आप घूम के अपनी जगह से इधर से उधर रोट में हो जाते, स्वास्थ्य दिखता है, ठीक है ना? अब आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओ, धरती पर भी नॉर्वे एक देश है, कि वहां पर ऐसा है कभी करीब आध घंटे पौन घंटे में सूर्योदय हो जाए, कई कई बार छह छह महीने लगातार सूर्य चमकता। स्वीडन में एक जगह है कि यहां पर सूर्य अस्त हुआ, आप जहां खड़े भाग के जाओ एक करीब 50 किलोमीटर गाड़ी से जाओ, एक घंटे में पहुंचोगे, वहां सूर्य उग रहा होगा। मेरे विद्यार्थी रहते उन्होंने बताया। अब इस सबका मतलब क्या है? अरे साहब हमारे यहां तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे में सूर्य उगता है, तुम्हारे सूर्य तो उदित ही है, आपकी दृष्टि घूमती रहती है, सो आपके लिए ऐसा दिखता है। ऐसे ही वह पर्याय पाडुम भावम सदा लवधि, वो तो सदा उदित ही है। एक समय की पर्याय भी नष्ट हो जाए, जिसकी व्यय को प्राप्त हो जाए, तो उसे केवली नहीं कह सकते। जिसके ज्ञान से ओझल हो जाए वो केवली नहीं। नहीं समझा? आप एक रेडार लाए, बढ़िया, आजकल देशभक्ति के ज्यादा चल रहा ना प्रोग्राम, चलो उसी का बता देते। रेडार लाए जो 360 डिग्री पे पूरे वो करता है, ठीक है, और सब 400 किलोमीटर तक की रेंज में करता है। अब यदि उसके बाद भी कोई विमान घुसाया और नहीं बता पाया, फेंको सरकार, एक भी कैसे नहीं बताया तुमने, तुझे 100% ही बताना। भाई साहब ये पिक्चर रखोगे नहीं रखोगे कि नहीं? तो यदि भी घुसाया तो वो तो कौड़ा कर जाएगा हमारा। ऐसे ही एक पर्याय को भी जहां व्यय को प्राप्त हो जाए, केवली के ज्ञान से ओझल हो जाए, तो वहीं अधूरापन हो जाएगा। वो कौन से चक्रवर्ती? सनत कुमार चक्रवर्ती थे ना, याद है? एक बूंद पानी कुछ याद आए? नहीं है? वो आता है जिनके सौंदर्य की चर्चा देवों में हो रही थी, वो आया देव देखने, तो उसने लोटे में पानी लाओ, फिर एक सुई यत्न के की नोक पे एक बूंद ले ली, साहब ये लोटा भी भरा है कि नहीं है? भरा है,
पूरा है, पूरा है। उन्हें दिखाया भाई ये देख रहे, एक बूंद तो यहां है, कैसे ये पूरा है, अंतर समझ रहे। ये दृष्टांत नहीं सुना हमने, ये भी सुना, अरे अभी हमने सुनाया था, आपने उस दिन गौर नहीं किया, आप थे, ये दृष्टांत सुनाया था अभी दो तीन हफ्ते पहले। क्या है समुद्र की बूंद समुद्र है? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सुनो, घटना इतनी हुई थी कि उनका सौंदर्य इतना बढ़िया था कि देवों में चर्चा होती थी, तो जब वो आए लौट के, देव आए एक कुतूहल बस देखने, तो वो अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे थे, व्यायाम, तो मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी, और कौन भाई कैसे, सुनो रोका नहीं किसी ने, तो ये तो देवे में कोई क्या रोकेगा, मैं क्रिया गए घुसा, अच्छा ठीक है आए तो ठीक है, बताओ कैसे आना हुआ, साहब आपके सौंदर्य की चर्चा बहुत थी देवों में देखने आए, कहते अभी क्या देखते हो, राज्यसभा में आके देखना, जब बढ़िया आप हार मुकुट सब पहने होंगे, पहुंच गए राज्यसभा में देखा, कहते अब बताओ कैसे लग रहे, वो बात नहीं, तो क्या मतलब है वो बात नहीं, मैं तो वही हूं और अब तो इतने बढ़िया हार मुकुट में हूं। तो उन्होंने ये मैंने घटना का, भाई साहब एक लोटा पानी लाओ, अब वो पानी लाए तो वो पीछे ले जाके उसने एक तिनके की नोक पे एक बूंद पानी निकाल लिया, और ऐसे ऐसा लोटा भरा है पूरा पानी है कि नहीं है, पूरा है, उसने निकाल के दिखाया तिनका, इस पर एक बूंद है, एक बूंद कम हुई, ये आपको दिखी नहीं दिखी, यही आपकी अल्पज्ञता है, ये आपकी नादानी है, मानो अल्पज्ञता अज्ञानपन नादानी, क्योंकि एक समय का भरोसा नहीं, एक समय में शरीर के परमाणुओं की पर्याय में परिवर्तन आ गया है, आपके शरीर में कूड़ उत्पन्न हो गया है, आपको पता नहीं चल रहा, इसलिए जो समय थे उसकी मैंने तारीफ की थी, अब मैं आपके हर मुकुट के सजे संवरे की तारीफ नहीं कर पा, अंतर समझे, वो एक समय की पर्याय की विधि उपेक्षा की, तो भाई सब अक्षम्य है, आपके अकाउंट्स में एक पैसे का अंतर आ रहा है, ये मुद्दा नहीं है कि एक पैसे का है, एक की जगह 100 रुपए ले लो हमसे, लेकिन ये एक पैसे का अंतर आया कैसे, कई बार एक पैसे का अंतर निकालने के लिए लाख लाख रुपए और पूरी टीम खर्च करती है, और जब सिर बढ़ा के बैठती है, जब जाके मिलता है अरे साहब जान बची, क्यों, मुद्दा ये नहीं है, पैसा मैं दे सकता हूं तुम्हें 1 लाख रुपए, तो एक पैसे के लिए क्यों जान दे रहे हो ना, हिसाब में अंतर आया कैसे, अंतर बात समझ रहे किसमें, ऐसी केवली के ज्ञान से एक पर्याय भी कभी ओझल नहीं होती, यदि हो जाए वे को प्राप्त दिखने लगे तो समझ लेना वो केवली, तो वो कोई और बोल रहा है केवली, ज्ञान में से तो नहीं होती लेकिन वस्तु में से क्या पूछे, अरे यही तो बता रहे ना, उस एक बात बताओ नवीन जी, अब आपके आज इस प्रश्न में मुझे आश्चर्य हो रहा कि आप जैसे विवेकी पूछ रहे हैं, केवली वस्तु को जैसा है वैसा जानते हैं कि जैसा नहीं है वैसा जानते हैं, बात खत्म होगी, आप अपना उत्तर खुद दे रहे हो कि इसका मतलब वस्तु में भी वैसा, उस काल में वैसा होना, उन्होंने तो यही जाना, उस काल में उदय को प्राप्त, समझ गए, क्रमबद्ध कैसे कहोगे आप, केवली के ज्ञान से क्रमबद्ध नहीं होती, वस्तु में क्रमबद्ध होता है वैसा केवली जानती है, केवली बताने वाले हैं, ज्ञापक है, सूचक है, कारक नहीं, केवली अनंत बल के धनी है, सारी पर्याय लाइन से लग जाओ, ऐसा नहीं है, लगी हुई है, हाँ ऐसा तो है, लेकिन वो आपको जो विश्वास दृढ़ता नहीं आ रही है, जम नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उसके लिए आचार्य अमृतचंद्र बनना पड़ेगा, वो कहते हैं व्यवस्थिता मम्मति, अब मेरी अकल ठिकाने आ गई, यही लिखा है आचार्य अमृतचंद्र, समय सार में पढ़ो, व्यवस्थिता मम्मति यतो सकल मोह वाहिनी विजयाय बुद्धा क्षयम, मैंने कमर कस ली अब सारी मोह की सेना को जीतने के लिए, हम उनकी रोचकता भी देखो जरा भाषा की, आपको समझना ख्याल में नहीं आ रहा समझ में, तो पहले खुद सोचो ना कि वो केवली वस्तु के जगत के कर्ता है क्या, नहीं है, ज्ञाता है, तो जैसा है वैसा जानते हैं कि अपनी मनमर्जी का जानते हैं, क्योंकि वो तो वीतरागी है, उन्हें जगत से लेना देना नहीं, कोई उन्हें स्प्रह ही नहीं है कि मैं किस किस को जानू किस किस को नहीं जानू, वो तो ज्ञान की अनंत सामर्थ्य प्रकट है, तो उसमें
झलक रहा है सब कुछ। तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है, इसका मतलब केवली की महिमा नहीं है, ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार नहीं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में यही बात कही होती तो अहो अहो ये आलस्य महापम उसमें आता है, ये ज्ञान की महिमा है, वहां ज्ञान की महिमा कहलाएगी, यहां पर महिमा ज्ञेय की है या ज्ञान की महिमा है, यदि सोच रहे आप तो गलत कर, क्योंकि अधिकार ही ज्ञेय तत्व मतलब मन घूम जाए एक बार, ये बातें ऐसी हैं। ये तो हमारे ज्ञान की न्यूनता है, हाँ ये हमने सारा कुछ सोच ही उतना सीमित है। दरअसल जब मैं अभी हमने समय सार पे लिखा आचार्य कुंदकुंद के ग्रंथों की दृष्टि, अभी खाली समय सार पे लिखा, पहले सोच रहे थे एक किस्त में सबको दे दूंगा, मैं एक एक किस्त में एक एक ग्रंथ को दूंगा, अगली बार पंचास्ती का आएगा, फिर नियम सारा आएगा, फिर प्रवचन सारा आएगा, ऐसे चार प्रमुख और सब ग्रंथ नहीं ले रहे, एक ग्रंथ ले रहे, बाकी सील पावर वगैरह जितने वो है अष्ट पावर उनका तो संक्षेप में, तो उनका सार उनमें ही आ जाएगा, चर्चा में नियम सार की चर्चा में आ जाएगा। तो जब आपको एक फिर प्रवचन सार है क्या वो दृष्टि आपको, आप लोग यदि काफी कुछ बता चुका हूं पर मैं उसमें लिख के भी दूंगा, तो ये आपको अंतर समझना है। प्रवचन सार माने क्या, प्रवचन सार माने केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी को दिखने वाला ज्ञेय, उसकी वो पिक्चराइजेशन जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं लिखी, कभी कहीं नहीं मिली, उसका नाम है प्रवचन सार। इसके अर्थ में सारा अनर्थ तभी हुआ कि इसके लिए लोगों ने इस दृष्टि से देखा ही नहीं, कुंद की मूल गाथाओं को इस दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने आगम की दृष्टि से इसकी जितनी व्याख्या कर दी वहां हाथ जोड़ना पड़ रहा है, खेद होता है, दुख होता है। क्यों आचार्य देव नहीं कर रहे, अब शब्दों का अर्थ तो आप जैसा चाहे करो, वो कालिदास की कहानी सुनिए ना, कालिदास बाबा कवि, पहले यार गंवार जैसा था, ठीक है ना, तो वो एक राजकुमारी थी विद्युत्तमा, तो जो उसने जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से शादी करूंगी, और जो नहीं होगा तो उन्हें मेरा दास बनना पड़ेगा या पराजय स्वीकार करना पड़ेगी, ठीक है भैया। अब जो जाते वो बड़ी विदुषी थी, सबको हरा देती, तो सारे पंडित चिड़ के उन्होंने कहा इसका विवाह किसी मूर्ख से कराना पड़ेगा, तो सारे पंडित घिर गार के गए, ढूंढ ले मूर्ख, तो मिल गया, जिस डाल पर बैठा तो उसी डाल को काट रहा था, तो उन्होंने कहा भाई इससे बड़ा मूर्ख और क्या मिलेगा, उन्होंने कहा पागल गिर जाएगा अभी, उसी को काट रहा तुझे क्या तकलीफ है, मैं काट रहा हूं तुझे क्या तकलीफ, चले गए पंडित आगे वो नजली बेकार। अब उसने और जो दो चार पुरानी मारी से नीचे गिरा, अरे वो पंडित बड़े क्या नहीं थे, उनने बता दिया तो मुझे पहले गिर जाऊं, दौड़ के गया महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो मुझे अपना चेल, वो उन्होंने कहा चलो ठीक है तेरा मैं राजकुमारी से शादी कराऊंगा, मैं बस तेरी एक शर्त है कि तुझे बोलना कुछ नहीं, जो कुछ तेरे मन में आए इशारे में कहना, मुंह से मत बोलना है कुछ, बाकी उसका व्याख्या हम करेंगे। तो हो गया शास्त्रार्थ, तो उसने कहा एक ब्रह्म एक उनके मान्यता से, तो उसने सोचा कि मेरी एक आंख फोड़ना चाहती, तो मेरी एक फोड़ भी तेरी दोनों फोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं जीवात्मा और परमात्मा रूप में दो है, तो बाकी में क्या नहीं लग रहा उसका अभिप्राय क्या था, और ठीक है ना, तो उसने कहा पांच, माने पांच ज्ञानेंद्रिया जैसे उनकी भाषा में वैसे सीखो, पांच ज्ञानेंद्रिया है इनसे ही जानता है वो, ठीक है ना, उन्होंने कहा मुझे थप्पड़ मारना चाहिए गुस्सा मारता है, मैं मुंह तोड़ दूंगा गुस्सा मार के, ये उसने जो कहा कहना चाहिए बोलना तो था नहीं, उन्होंने कहा देखो साहब पांचों मिलके एक अखंड रूप में एक ही जानता है, पांचों से पांच अलग अलग नहीं जानती। अब उन्होंने जो बताया, अरे साहब ये तो बाकी में बड़ा गया नहीं, जीत गया उससे शादी हो गई, बाद में पता चला बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, समझ गए, फिर उन्होंने धुतकार दिया। वो उनकी कहानी है, उनके यहां तो कोई कर्तावाद है ना, साहब उनने आराधना की सरस्वती किसी की तो उनने वरदान दिया, वो जो कुछ वो बेकार की बात, ये अभिप्राय आप क्या खोल रहे, वो पंडित उसको ज्ञानी बनाने के लिए खोल रहे थे, जबकि है था कौन वो पटमूल, सुन रहे वो कर रहा था पागल उनके हिसाब से, लेकिन उनने उसकी व्याख्या कर दी। आजकल व्याख्या बड़ी खतरनाक, ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं उससे आप मिलाओ, मेरा पूरा फोकस इस पर है, जो लेख वाला चला रहा हूं कुंदकुंद आचार्य की, कुंदकुंद आचार्य देव किस ग्रंथ में क्या बताना चाहते हैं आपको फोकस उसके अनुसार अर्थ करना है, आपको अपनी पंडिताई का छौंक नहीं लगाना है, दूसरे ग्रंथों का रेफरेंस नहीं लेना, टोटल में नहीं ले सकते हो,
फला ग्रंथ में कहा, फला में, हर ग्रंथ में उन्होंने यदि वही पंक्ति भी कही है तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। प्रवचन सार में यदि वही शब्द आ जाए तो उसका अर्थ भिन्न है, वो समय सार वाला नहीं लगेगा, समझ गया। पज्जे मूड़ा पर समय प्रवचन सार में भी आता है, समय सार में भी आता है, दोनों में अर्थ भिन्न है, एक नहीं, समझ रहे ना। तो संजय भाई ये हिम्मत, ये दृष्टि आसान नहीं, सामान्य पंडिताई कुछ भी कर लो। आप ये बड़ा सौभाग्य मानिए कि ये चर्चा काल में इस रूप में चल रही है, हम लोग सुन रहे हैं, मैं भी आप ही के बीच में हूं, कोई वक्ता नहीं, समझे। हमें ये चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है कि आचार्य कुंद ने जो साक्षात समोषण की दृष्टि से, केवल ज्ञान और केवली की दृष्टि से जो विजन दिया, जो एक तो वो परख पाए है उनकी क्षमता देखो। छोपसम ज्ञानी को केवल ज्ञान समझ में आना हंसी खेल नहीं, छोपसम ज्ञानी को केवल ज्ञानी बन जाना हंसी खेल है, लेकिन केवल ज्ञान समझ में आना हंसी खेल नहीं। क्यों? तो ऐसे ये कहा, हमने अपने छोटे से एक रूमाल में आकाश बांध लो, कहां केवल ज्ञान, कहां छोपसम ज्ञान। तो वो छोपसम ज्ञानी को केवल ज्ञान समझ में आना बहुत कठिन चीज है, छोपसम ज्ञानी केवल ज्ञानी होता क्योंकि अपने स्वरूप में लीन हो रहा, केवल ज्ञान हो जाना वो बात अलग है और ये बात अलग है। उनकी क्षमता देखो कि वो चीज पकड़ लाए और साफ साफ करे कि जो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ मैं नहीं, मुझे वो दुबई वाली जो बहन है ना उसको भेजा, उसने तीन चार बार सुना और सुनने के बाद मेरे को फोन करके कहती, कहती सर आपने जो बताया लेकिन जैसे ना चाहे तो उसको द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक मैं लिख रहे हैं। मैंने कहा बहन नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, क्यों? वो आचार्य थे, उनके आगे बोलने की हमारी कोई हिम्मत नहीं है, मैं उनका पूरा आदर करता हूं, लेकिन ये अभी भी मैं इस बात पर दृढ़ हूं कि कुंद कुंद आचार्य देव यदि कहना चाहते तो वो नए शब्द का प्रयोग कर सकते थे, वो शब्दों के बाजीगर थे, उनको शब्दों की कंजूसी नहीं करना, वो जो बताना चाहते हैं वो उतना परफेक्ट लिखते हैं। द्रव्यार्थ से अर्थ माने परिपूर्णता, अर्थ माने अपूर्णता नहीं, जो अपने आप में परिपूर्ण हो उसका नाम अर्थ है। देखो क्या परिभाषा है इसकी, बिंदु पढ़ी होगी ना आप लोगों ने बचपन, क्या परिभाषा, कोई सिरा नहीं, कोई सिरा नहीं है, नहीं जो अपने आप में ही परिपूर्ण है, स्वयं ही आदि है, स्वयं ही मध्य है, स्वयं ही अंत है, समझ में आया ना, जिसके लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं, परिभाषा करने में, माप तोल करने में किसी इंची टेप की जरूरत नहीं है, जो स्वयं अपनी पहचान है उसका नाम बिंदु है। यही अर्थ की पहचान है, यही अर्थ की परिभाषा, जिसके लिए किसी दूसरे की अपेक्षा ही नहीं वो अर्थ होता है, और जिसे अपेक्षा है वो अर्थ है। जिस पर दुनिया आधारित है वो दूसरे को, अर्थ माने इंग्लिश का ले जाओ, अर्थ माने धरती, हम काय पर खड़े हैं, धरती, धरती हम पर नहीं खड़ी, आप इतनी मिट्टी उठा के टोकरी में सिर पे ले लो तो धरती को सिर पे ले लिया, तो आपकी सोच है, आप मान लो कुछ भी, ठीक है ना। हमारे यहां महाराया कुमार अवतार शुक्र अवतार वगैरह कुछ नहीं, समझे संजय भाई क्या कह रहा हूं, अरे नहीं आया समझ में तो पूछा तो करो यार, गुमसुम क्यों बैठते हो, मैं तो दस जगह से बात करूंगा, अपने नॉलेज जानकारियों के हिसाब से नॉलेज तो नहीं करना चाहिए। दरअसल उनके यहां कहते हैं एक बार धरती प्रलय हुई, डूब गई, ठीक है ना, तो भगवान विष्णु ने शूकर का अवतार बनाया, बारह अवतार उसको कहते हैं, और वो अपने दांत को उठा के उसको ऊपर ले आए, निकाल लाए पानी में से, तब ये धरती बची, वरना वो तो डूब के खत्म हो जाती। अरे भाई तो पानी का है, मैं हवा में, पानी भी तो किसी आधार पर होगा, हवा में तो पानी नहीं रहता, काय में डूब, नीचे धरती होगी जब तो पानी होगा, तो उनकी कल्पनाओं का तो कोई अंत नहीं, हम कोई उनसे बहस नहीं कर सकते, उनके लिए बेकार है, उनकी दृष्टि दूसरी है, हमारे यहां की दृष्टि दूसरी है, ख्याल में। ये जो आप वो कल्पनाएं हो सकती हैं व्यर्थ की, आपके यहां कोई काल्पनिक तत्व नहीं, अर्थ माने परिपूर्ण अपने आप में, जिसमें कहीं कोई अपूर्णता नहीं उसका नाम अर्थ। द्रव्य भी अर्थ है और पर्याय भी
अर्थ, समझ में है? और जो अर्थ है वह अनादि अनंत ही होता है, कैसे भले ही उस काल में हो, लेकिन जब वो पर्याय पैदा नहीं हुई थी तब भी केवली के ज्ञान में उदय रूप में दिख रही थी। केवली के ज्ञान में वो उदय रूप में दिख रही थी। दृष्टांत सुना होगा? एक वो दृष्टांत था ना कि एक मुनिराज कहीं रिद्धिधारी मुनिराज कहीं चले गए, दूसरे आके बैठ गए, उन्होंने कहा महाराज, तो उन्होंने कहा तो उधर पहुंचे तो कितने भाव, जितने उस पेड़ में पत्ते, वो इमली का पेड़ था, तो मर गए इतने महाराज के भाव है, हम तो उन्होंने बड़ा समझ रहे, बताया महाराज का वो भी तपस्या कर रहे, हैरान हो रहे, तुम्हारे तो बहुत भाव बाकी, वहां पहुंच के गए केवल ज्ञान, केवली से पूछ लो, केवली तो ये भी है, ये चक्कर क्या रहा कि उस समय के जो मेरे प्रणाम थे मायाचारी के, कि मैं वो रिद्धिधारी मुनिराज तो नहीं था, लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज के रूप में पूज रहा था, और मैंने बताया नहीं, मैं कोई आत्मध्यान में लीन भी नहीं था, चलो ये पूज रहे तो पूज रहे, तो रिद्धिधारी के रूप में चल रही है, चल रही दिखा पे, तो उस जो मायाचारी के प्रणाम थे उसका फल यदि देखा जाए तो ऐसे ही भाव थे, लेकिन उसके बाद प्रणाम बदले, प्रायश्चित हुआ, खेद हुआ, स्वरूप में रूढ़ हुए, केवल क्या समझ गए? तो बताओ कौन केवली सच्ची? अरे कायदे से उन्होंने तो वो परिणामों का फल बताया था, वो केवली की दृष्टि नहीं थी, केवली ने देखा होता तो साहब ये केवल ज्ञान होने वाला है, वो यही कहते, वो कभी ये नहीं कह सकते। ये जो दृष्टांत है ना, एक गड़ा हुआ दृष्टांत, क्या कहा? गड़ा हुआ दृष्टांत है। क्यों? क्योंकि केवली मात्र वस्तु का क्या रूप होने वाला है वो देखेंगे, वो परिणामों का फल नहीं पूछ रहा, उसे तो पता ही नहीं था पूछने वाले को परिणामों का फल क्या है। ये हमारी बनाई हुई कहानी, यदि वास्तव में केवली कहते वर्तमान में भी केवल ज्ञान, समझ रहे? ये उत्तर केवली आपकी अपेक्षाओं से नहीं बोलते हैं, आपकी व्याख्याएं प्रस्तुत नहीं करते हैं, केवली वस्तु के स्वरूप को, और वस्तु के स्वरूप में पर्याय भले ही किसी कालखंड में हो रही है, लेकिन उस कालखंड की पर्याय उस कालखंड में सदा काल रहती है। तब तो केवली सदा काल जानते, पादुर्भावम सदा लवदी, तब तो वो प्रादुर्भाव को सदा प्राप्त होती है, वरना यदि वस्तु में नहीं हो तो ज्ञान में कहां से आ जाए, फिर तो ज्ञान विपरीत हो जाए। उस काल में केवली तो त्रिका सर्व कालदर्शी है, उन्हें काल भी तो सारा दिख रहा है ना, वस्तु ही नहीं काल भी दिख रहा है, तो हर वस्तु का हर काल दिख रहा है, हर वस्तु हर काल में दिख रही है, तो उसकी वो पर्याय भी दिख रही कि नहीं दिख रही, तो वो पर्याय उस वस्तु में है कि वो पैदा कर रहे हैं, कल्पना से तो नहीं बना रहे भाई, हम जैसे कल्पना से सोचते रहते हैं, इतने सपने बनाते रहते हैं, सपने क्या है, कल्पना के रंग है आपके, तो वो कल्पना से तो नहीं बना रहे केवली, नहीं नहीं बनाते ना, यथार्थ ही जानते हैं, या कह सकते हो केवली पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, नहीं है, इसका मतलब वस्तु में वह सदा प्रादुर्भूत रहती है, ये आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, भाई साहब बुरा मत मानना, ये अर्थ किसी भी विद्वानों कहीं जाके ये निकाल लाओ तो जाने कहीं चर्चे, क्यों कोई दोष नहीं है, सब बढ़िया लोग हैं, सब बहुत बढ़िया लोग हैं, किसी को मैं खराब नहीं कह रहा हूं, अंतर ये है कि इस विजन से देखा केवली की निगाह से नहीं देखा, कुंद ने जिस दृष्टि से ये लिखी है गाथाएं वो दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने उसको आगम दृष्टि से देख लिया, मुझे डर लग रहा है जिस समय मैं ये लिखूंगा उस समय भूचाल तो आएगा, लोग आज दुनिया भर के ये हो रहा वो हो रहा बाहें छवाएंगे, पंडित अपनी सारे पंडिताई के तर्कस कृति में सब कुछ करेंगे, मुझे बोल के और चुप हो जाना लिख के, तुम कहो भैया मैं नितांत अज्ञानी, तुम ज्ञानी, समझ में आ जाए तो मान लेना, नहीं आ जाए तो छोड़ो, रिटर्न विद थैंक्स, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहने वाला, यदि राय जो प्रमाण चुपके जिसमे तुम्हें दिख जाए तो प्रमाण मान लेना, चूक जाओ नहीं दिखे चल कर मत कर, लड़ने झगड़ने मत आना, मैं तो पहले से क्विट किए बैठा हूं, हथियार डाले बैठा हूं, चलो भैया तुम जीते हमारे, क्या करें बहस कर, ये कषाय की चीज नहीं है, नहीं ये यहां समझ का काम है, समझौते का काम नहीं है,
ना लड़ाई का काम है ना समझौते का काम है, ये समझ का चिन्ह। समझे भाई, ये जो चर्चा है ना, मुझे जितना आनंद इसमें आता है यहां बैठ के, इतना मुझे पूरे जीवन किसी चीज में और नहीं, नहीं। समझ रहे ना। और आप सोच सकते हो उस दिन जब नवीन भाई कह रहे थे, अरे कहा चक्करों में पड़ रहे हैं तुम, ये वो इंटरव्यू क्या क्या मिल रहा है, चक्कर में क्यों पड़ रहे। ये सच्चे है कैसी, ऐसा कहने वाला शायद ही मिलेगा। मैं क्या शब्द जिनवाने की गद्दी में बैठ के क्या शब्द बोल रहा हूं कि सच्चे है कैसी। आप मेरे शब्द पर भी ध्यान दीजिए, ये आपने नहीं कहा, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं, मेरे अपने हृदय के उद्गार है। मैंने और कई लोगों को बताया कि हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं, वो कहते भैया ये संसार प्रपंच है, इसमें बहुत मान मिलेगा और ये मान ही मनुष्य गति का सबसे खतरनाक तत्व है, डुबोने वाला तत्व है। खुद को छोड़ के बाकी सब होता है, खुद छूट जाते हैं और बाकी सब हो जाता है। जैसे वो दूल्हा दुल्हन सबको लगते हैं भाई बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी पीड़ा कोई नहीं जानता। कितनी बार तो अभी इसके लिए सजी दिया बोल जाए, वो पेंटर लेके पोतता रहता, बदलता रहता था, मेकअप बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, स्टेज पे वो हैंगर की तरह खड़ी रहती है, ये डाल दो ये टांग दो ये उतार दो ये कर दो, उधर आके ऐसे बैठे रहना, जबरदस्ती मुस्कुरा, पेट में दर्द हो रहा हो, चूहे दौड़ मुस्कुरा नहीं मुस्कुरा रहा, उनकी पीड़ा कोई नहीं समझता। हम देख देख के यही हैरान होते हैं कि ये बेचारे कितने हैरान है, हम तो एक मिनट फोटो खिंचा के जेल लिफाफा देके चल देते हैं, इनकी पीड़ा कौन देख रहा है, किसी को नजर नहीं आती। समझ रहे, हमें ऐसे ही यहां पर लगता है, जिनको ये नजर आने लगे तो वो क्या करें, भैया कोशिश करो, बहुत देर होगी बैठे बैठे, बच्चों को थोड़ी देर चला जा रहे हो, अरे साहब अभी प्रोग्राम चल रहा, पार्टी चल रही, अरे भैया तुम पार्टी देख रहे, इनको भी तो देखो, कोई इनका हितैषी कोई है, ये सब पार्टी लोग मतलब ही है, अरे आज तो लड़के लड़के स्टेज पे ही नहीं थे, तुम्हें दिख रहा है, ये इंसान बनो थोड़े, मानवीयता रखो, उसका भी कष्ट देखो, तो ये तो हमारा कष्ट देख रहे थे। समझिए ना कि इनकी रुचि तो यहां है, ये चक्कर में किसमें पड़ रहे हैं, समझे ना, ये इसको उनको समझना पड़ेगा, बहुत से प्रलोभन छोड़ना पड़ेगा, संसार में बहुत ऐसे मिलेंगे, इतने इतने उलझाने के, इतने मंच हो, ये भैया हमें जितनी कीमत इसकी है ना, बड़े से बड़े राष्ट्रपति सम्मान की उसकी मंचों की उतनी कीमत, इसमें मुझे मजा आता है, जो अपना स्वांता सुखाय लिखता हूं उसमें मुझे मजा आता है, उस तरह चिंतन चलता है भैया, वो परिणाम प्रसाद की जाति कब कैसी उम्र है वो भी हमारे हाथ की बात नहीं है, अपन तो अपने उपयोग को विषय से विषयांतरित नहीं होने दो, बस अपने हाथ में बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक अपन उस लाइन में लगे, ठीक है ना, लक्यू से बाहर मत हो जाओ बस। तो ये विषय आप समझिए कि ये विषय मैं किसी की भी अवमानना करने के लिए शब्द नहीं बोल रहा हूं कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना अपनी मान बढ़ाई के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि तो हमारा सौभाग्य मानिए जीवन का, क्या इस दृष्टि से हमें सोचने का अवसर मिल गया। आचार्य तो साफ साफ लिख रहे हैं हर गाथा में, बिल्कुल वही की वही बात आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन हम लोग उसका अर्थ जब डिक्शनरी निकाल के करते हैं तो नहीं मिलता है। समस्या ये, क्योंकि डिक्शनरी इंसानों की बनाई हुई है और ये वाणी भगवान की है, इसलिए हमें अर्थ नहीं मिल रहा। बड़ी भारी, बड़ी भारी सिद्धांत कोष वगैरह सब देखता हूं, कई बार कोई प्रकरण देखना होता है, इसके अर्थ में तो मुझे सब बेकार लगते हैं, कहीं किसी ने एक रत्ती बात नहीं की, क्यों कभी किसी ने उतनी उड़ान की सूची नहीं। एक पत्रिका आती रीडर डाइजेस्ट, यदि आप लोगों ने कभी देखी सुनी हो पढ़ी हो, मेरे तो पहले उसमें छोटे मोटे कोटेशन या चीजें कभी कभी प्रकाशित भी हुई पहले बहुत दिनों से, तो उन सब के क्या होता हूं, मान कसाय का चक्कर होता हूं छोड़ दिए, मतलब मैं यहीं तक सीमित हो गया हूं। तो उसमें एक सेंटेंस आया था, एक चित्र आया था, स्वान द फ्लाइंग हाइएस्ट, हंस जो है वो हंस अकेला पक्षियों का राजा राजहंस ऐसे नहीं कहलाता, फ्लाइंग हाईएस्ट, जिस ऊंचाई पे कई बार
आपके प्लेन नहीं जा पाती है, उतनी ऊंचाई तक पर भी उतने भयंकर ठंडे स्थिति में, जब आप ऊपर जाइए ऊपर ठंडक बहुत है, आपके नीचे लगती है उसी धूप में ऊपर ठंडक बहुत है। आपका फ्लाइट जब उड़ती है तो वो बताते हैं, जो पायलट होता है वो बीच में एक बार बोलता है, नॉर्मली उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा, एक तो प्योर इंग्लिश बोलता करके बोल के बंद हो जाता, मैं उसको ध्यान से सुनता हूं। वो कहता हम इतने एटीट्यूड पे हैं, मतलब कितनी ऊंचाई पे है समुद्र तल से बताई जाती, वो धरती जहां से आप उड़े वहां से नहीं बताई जाती, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है आप। तो उसने बताया साहब आप 37,000 फीट की ऊंचाई पे, आउटसाइड टेम्परेचर -45, जून की बात बता रहा, चारों ओर चटक धूप, आपको जो प्लेन की शीशे धूप आ रही आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, आप शटर डाउन कर देते। उस समय यदि वही खिड़की खुल जाए तो आपका भैया थोड़ी धूप मिल जाए, -45 यहां तक टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब ऊंचाई पे टेम्परेचर भी, और जितना हाई एटीट्यूड होगा उतनी ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की जितनी कमी होगी उतना ही आपको उड़ने के लगातार मेहनत करना वो हंसी खेल नहीं रह जाए। आज आप जमीन पे चल लेते सहज आसान है, पहाड़ की ऊंचाई पे हाई एटीट्यूड पे आप चलें तो आपको चलने में अच्छे अच्छे जो सूरवीर दिखते ना, हम कैलाश यात्रा गए थे, चलते तो चलते नहीं बनता भाई साहब, प्लेन में चलते नहीं बनता, यहां से वहां तक जाएंगे गाड़ी तक तो हाफ जाओगे आप, समझ गए। तो वो इतनी ऊंचाई पे देखो, वो राजहंस को राजहंस क्यों कहा जाता है, तो ये बता रहा हूं, ये दुनिया की बात नहीं बता रहा, वो इसलिए कि इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड में इतनी ऑक्सीजन की कमी जितने में, और उतने में वो लगातार पंख फैलाए अपने उड़ता जाता है, सबसे लंबी उड़ान कोई कर पाता है तो राजहंस कर पाता है, समझ गया, कई कई 100 किलोमीटर पर डे उड़ लेता, कई कई 100 किलोमीटर, समझ गया ना, तो कुछ क्वालिटी है तभी वो राजहंस। अब आप समझिए उसका नाम राजहंस क्यों। तो जो इतने ऊंचाई पर जाके अपने विचारों से केवली के समान अंतर जो कुंद कुंद बता रहे हैं, तो आपको उस ऊंचाई पर तो जाना पड़ेगा यार, आप यहां सड़क पर चलते हुए हैं और तुम तो उधर की बातें करना चाहते हैं, तो हिमालय के ऊपर से जाएंगे तो ठंड लगेगी प्लेन में, काहे की ठंड, उसमें बाहर की हवा आकर रही, और जितनी हिमालय पर ठंड होती वो तो वैसे भी होती है वहां इतनी हाई एल्टीट्यूड पर, उसमें कौन सी बड़ी बात डिफरेंस हो गई। लोग कह रहे स्तर में जाएगा तो गर्मी लगेगी, प्लेन में कोई गर्मी नहीं लगती है, ये आपकी सोच है, क्यों आप जमीन पर चल रहे हैं, अभी आप प्लेन में चले ही नहीं, डिफरेंस ये क्या, वो सोच तो आना चाहिए आप में, जब वो पता हो तो आपको ये प्रश्न खड़े नहीं होते। तो ये जो इसकी व्याख्या में लोगों को जितने बार बार प्रश्न खड़े होते हैं, जो आप बार बार कहते थे ये पर्याय तो फिर वो बदल रही ना, वो तो फिर ये सब जो प्रश्न खड़े होते हैं ये आपको क्षयोपशम ज्ञान के प्रश्न है, यहां बात ही केवली के अनुसार चल रही है, केवल ज्ञान और वस्तु स्वरूप के अनुसार बात चल रही है। प्लीज अपने आप को उस रोल में ले जाओ तो आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ सहज लगेगा, समझ गए ना, धक्के नहीं लगते, क्यों नहीं लगते, ऐसा नहीं है, प्लेन में भी जो पायलट होते ना वो जब चाहे धक्के लगवा सकते हैं आपको। मैं आपको प्रमाण दूं, हमारे सुरेंद्र जी पहचान जाएंगे बात को जो मैं क्या कह रहा हूं, आजकल जो गो एयर इंडिगो स्पाइस जेट जो लोग खाना पीना देते नहीं सर्व नहीं करते, मतलब टिकट में इंक्लूड नहीं होता है, वो अलग से ऊपर रेस्टोरेंट जैसा चलाते, हॉकर की तरह ट्रॉली लेके बेचते, ठीक है ना, तो उन्हें वो धंधा करने का टाइम देना, तो कैसे ही मौसम हो तो स्पाइस जेट इनकी फ्लाइटें एक एटीट्यूड पर पहुंचे नहीं ऊंचाई पर जाके, जहां से सीधे हो जाते प्लेन ऊपर चढ़ने का कम बंद हो जाता है, तो वो कहते हैं साहब यद्यपि आपका ये बंद हो गया है ठीक है ना, लेकिन मौसम खराब होने के कारण पायलट ने आपको सीट बेल्ट बांधने की सूचना दी है, आप अपनी जगह पर बैठे रहिए, और जब तक अनुकूलता नहीं आती है सीट बेल्ट का संकेत बंद नहीं होता है तब तक आप अपनी जगह बैठे रहिए, कुछ नहीं करना होता है, वो पायलट जरा सा अपना करता है तो आपको ऐसा लगता है कि प्लेन थोड़ा धक 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 करके चलता है, कुछ नहीं होता है नीचे, हम तो सब जानते हैं, इतने बहुत 4,000 से ज्यादा बार उड़ चुके हैं, हम सब जानते हैं इनकी बारीकी,
ठीक है ना, वो किया जाता है, साफ मौसम है, वो थोड़ा बता देंगे थोड़ा ऐसा है वैसा है ताकि आप भी डर जाए और चुपचाप बैठे रहे, उठ के डिस्टर्ब नहीं करे और वो अपना धंधा कर सके, उनका बंद होते ही मौसम अपने आप ठीक हो जाता है। मैंने आपकी बार जो जा रहा था ना, तो मेरे जो साथ में बैठा था उससे कहती अभी देखो अभी आले अनाउंस करेगा, ये मौसम बिल्कुल साफ है, अभी आले अनाउंस करेगा कि बाहर मौसम खराब होने के कारण आप लोग अपनी अपनी सीट पर लौट जाइए, बैठे रहिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये क्यों नहीं गिरती है जो ये बेच रही है सामान, इनके लिए क्यों नहीं, बाहर तो ये भी बांध के बैठे, यदि मौसम खराब है तो गिर तो ये भी सकती है, हम ही क्यों गिरेंगे। हमने ये धंधे के लिए है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये कुछ नहीं है। ऐसे ही बहुत सी बातें जैसे वो बताते हैं उद्देश्य कुछ और है, ऐसे ही हम संसारी जीव जो बात कहते हैं उसके उद्देश्य हमारे बड़े स्थूल होते हैं, केवली जैसे उद्देश्य नहीं होते हैं। जो एविएशन की पूरी इंडस्ट्री की पूरी जानकारी रखते हैं, उतना अनुभव रखते हैं, वो कहते हैं ये सब धंधा है और कुछ नहीं। ऐसे ही ये जो संसार के लोग बता रहे हैं, कोई पुण्य की महिमा बता रहा है, कोई किसी की कह रहा है, ये सब अपने धंधे हैं। जिसको जो धंधा करना है वो उसकी महिमा बताएगा, जो प्रतिष्ठाचार्य होगा वो कहेगा हाँ साहब आपके हैं कि भगवान इन तो कम विराजमान करो, क्यों करोगे तो कुछ होगा, नहीं करोगे तो उसका क्या धंधा बनेगा, उसका तो मार्केट ही नहीं, यूजलेस। क्यों यार ये इधर बेकार, यहां के लोग नहीं मानते, बेकार बेकार क्यों होगा यार, क्यों आपने एक की तीन मूर्तियां करने की बात नहीं किया, हाँ नहीं भरी इसलिए बेकार होगा। सोच देखिए, सोच देखिए, हम कहते हैं ये साधन भी बहुत अच्छे हैं, क्यों तब तक की बात बड़े प्यार से सुनते, आप बताओ अच्छे हो कि बुरे। अपनी अपनी नजर है संजय भाई, अपना अपना नजरिया है और कुछ नहीं है, किस दृष्टि से देख रहे हो आप, इसका मर्म समझना पड़ेगा। ये प्रवचन सार है, ये साक्षात भगवान की वाणी है, बल्कि भगवान के भी व्याख्याकार बनके कुंभकुंभ यहां लिख रहे हैं कि सद्भाव या सद्भाव से निमित्त जो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ है वो भी सदा पादुभावम लवदी, सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त होता है, क्यों एवं वियम सहावे, इस प्रकार स्वभाव में, इस प्रकार के स्वभाव में नहीं, अच्छा इस प्रकार ये अव्यय, अव्यय माने जैसे आपने यथा कोई भी आप अव्यय प्रयोग करते तो अव्यय सद्र, अव्यय किसको कहते हैं, ना 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 उसकी परिभाषा सुनो, सद्र संत्रिषु लिंगेशु सर्ववचनेशु सर्वदा, किसे कहते हैं, तीनों लिंगों में जिसका रूप नहीं बदलेगा, कर्ता कर्म क्रिया किसी लिंग के हो उसका रूप नहीं बदलेगा, जो कर्ता कर्म क्रिया कितने भी वचन के हो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसका रूप कभी बदलता नहीं है, वो अपना अर्थ रखता है, वो अपना आकार नहीं बदलता, बाकी सब शब्द अपना आकार बदलते हैं, एक वचन में अलग, बहुचन में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग, वो सब चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अपने अर्थ पर फोकस करता है। तो जो अर्थ केंद्रित है उसका नाम अव्यय, जो अपने बाहरी आकार को बदले बिना अर्थ को बचा के रखता है उसका नाम अव्यय, अव्यय माने एवं वियम माने इस प्रकार, ठीक है ना, ये सहावे का विशेषण नहीं है, इस प्रकार जो दव्यम सहावे, जो स्वभाव में जो द्रव्य है उसमें क्या है सद, वो द्रव्य कैसा है, सद्भाव और असद्भाव से निमित्त है, निबद्ध है, दोनों उसमें आप कहते हो, लेकिन वो दव्यत्व पर यदि उस सद्भाव और असद्भाव को आप द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ से देखोगे, अर्थ से, ध्यान रखना द्रव्य और पर्याय से नहीं कहा, द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ से, मैंने तीन सप्ताह पहले कहा था इसमें द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ में बहुत गहराई है, आपको आएगी। असल में ये चीजें हम दो बड़े अज्ञान करते हैं, या तो ये लंबे खींचे जा रहे हैं पता नहीं क्या, ये भी लगता है भैया जिस वस्तु का जब स्पष्टीकरण जैसा आना है उसी समय आएगा, आपके संकल्प विकल्प से नहीं आएगा, ठीक है ना, एक तो ये गड़बड़ी होती है, और दूसरा कि हम आकुलता बहुत, अरे आपकी आकुलता से नहीं आना, समझ में आए, बहुत क्रम, इसीलिए क्रमबद्ध बहुत उसका सावधान जरूरी है,
आपको इतनी शांति देती है भैया, जब आना आएगा आप शांति से सो, अपने प्रणाम शांत रखो, आकुलता मत करो, जो सद्भाव से असद्भाव, असद्भाव और सद्भाव से निबद्ध जो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ है वो भी केवली एवं विहम इस प्रकार से सहावे, उनका स्वभाव है केवली का क्या, कृपादुभावम सदा लवदी, वो दब्बम सहावे, द्रव्य का भी स्वभाव ऐसा है वस्तु का और केवली के ज्ञान का कि दोनों में वह सदा प्रकट रहती है, सदा प्रादुर्भूत रहती है, कभी उसका अभाव होता नहीं, कभी उत्पाद नहीं होता, कभी व्यय नहीं होता, दोनों ही सदा काल भी काली गायक भी प्रादुर्भूत रहता है, अनुभव के काल में रहता कि नहीं रहता, अनुभव के काल में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अनुभवी वो क्या कहता है, मैं तो त्रिकाली हूं के पर्याय हूं, ये कौन बोल रही है, पर्याय बोल रही कि त्रिकाली, तो वो त्रिकाली ने भी अपने स्वरूप को छुपाया नहीं है कि भाई तू तो पर्याय है, मैं तो त्रिकाली हूं, मैं बोला उसमें कोई भेद नहीं है, एक मेक ही है, वो सदा प्रादुर्भावम लवदी, वो सदा काल प्रादुर्भूत रहती है, कभी भी अस्त ना त्रिकालीपना ना ध्रुवपना अस्त है, ठीक है ना, द्रव्य भी सत है ना, तो जो द्रव्य सत है वो भी कभी अस्त नहीं है या वो प्रकट नहीं होता, वो ऐसा नहीं है, वो भी सदा प्रकट है, और पर्याय जो है वो भी सदा काल प्रकट है, वह कभी भी उत्पाद और व्यय रूप नहीं होती, क्यों, उत्पाद और व्यय भी अपने आप में सत है, वो असत नहीं, उत्पाद का मतलब नया उत्पन्न हुआ अकेला ही नहीं है, इस काल में इसका यही स्वरूप था, ये तय था, समझ गए ना, अब ये काल आया तो आपको दिख रहा है, नहीं आया था तो आपको नहीं दिख रहा था, वो इस काल में ही ये था, काल को आने दो, समझिए, जैसे आप कहते गर्मियों में ये आम का पेड़ फलों से लद जाएगा तो गर्मी तो आने, बाकी तो बाजीगर दिखाएगा, बाजीगरों को खेल देखिए, वो किसी भी मौसम में गुठली कहीं से उठाते, बीनते, डब्बे में लगाते, पेड़ दिखा देते, पेड़ में आम भी दिखा देते, लेकिन वो आम खाया किसी ने आज तक, ये बाजीगरों के खेल है, ये खाली दृष्टि भ्रम के होते हैं, ये वस्तु स्वरूप में घटित होते नहीं है, यहां जो बता रहे हैं कहते केवली जो कुछ जान रहे हैं ऐसा जान रहे हैं कि सदा प्रादुर्भूत है, तो वस्तु भी वैसी ही है, वस्तु कोई दूसरा खेल खेल रही, क्योंकि केवली वीतरागी, क्योंकि केवली वीतरागी है, उन्हें कोई राग द्वेष नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो और क्या ना हो, ये है तो ऐसा है बस खत्म, हमें दूसरा विकल्प ही नहीं, ये है इसका सत्य, ये गाथा का मर्म है, ख्याल में, ये इस प्रकार ऐसा ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वभाव, ख्याल में, स्वभाव से इस प्रकार होता है, कैसा होता है कि वस्तु में भी वह सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त होती है और ज्ञान में भी केवली के ज्ञान में सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त होती है, इन दोनों में वस्तु और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता, ये विषय भगवान कहां मिले, कोई इसकी चर, अभी गाथा ले जाओ, मैं किसी बार बार कह रहा हूं कि मैं अपने अभिमान के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आश्चर्य है कि इस काल में हमें ऐसे भाव तो हुए, वो चीज पकड़ में आ गई और मैं कोई बता नहीं, मुझे ध्यान है नवीन जी जब पहले अभी ये इस क्रम में पहली बार मुझे ये तत्व तो समझना है, ये तत्व तो प्रज्ञापन क्लियर नहीं, मैं ये समझ रहा हूं, जाओ भाई सब रोज आओ, जितना होगा अपन को तो चर्चा करनी है, आपको लगे अनुकूल तो बैठना, नहीं लगे मत बैठ, मेरे कोई वो नहीं, मैं बहुत सहज हूं इस बात, समझे, ये विषय ये है गेत, ये कहते किसको है, पूर्ण ज्ञान का विषय जैसा ईमानदार जो है वो गे है, जिसमें आपकी अपेक्षाएं जुड़ी वो गे नहीं है, वो आपकी कल्पना की रंग है, समझे समझे भाई, मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, मोही जीव, ये आपकी कल्पना के रंग है, समझ रहे, वो तो श्रद्धा ज्ञान चार आचरण की चारित्र की पर्याय उसकी भी हो रही है और स्वरूप के अनुसार ही हो रही है, बस उसका विषय स्वरूप नहीं, उस
चारित्र का काम रमण करना चाहिए, रमण ही तो कर रही है वो, और कर क्या रही है? ठीक है उसका विषय स्व में रम नहीं रही, इसलिए हैरान परेशान है वो बात अलग है, लेकिन काम तो वो ही कर रही है कि कुछ और कर रही है। हार्ट है, ब्लड प्रेशर बढ़ा, जब उसमें नाली में वो प्रेशर बीच में अड़ाव होगा तो वो तो जोर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कहीं भी आप पाइप के पानी को नाली वो नली पकड़ते हो, क्या बोलते आप लेजम सतक के पता नहीं क्या क्या बोलते, तो प्लास्टिक की जो पकड़ते हो तो जब तराई करना होती है तो जरा सा उसे दबा देते हो तो धार वैसी तेज होने लगती ही नहीं होने, वो तो पीछे से तो उतना आ ही रहा है, जब आप उसे प्रेशराइज करोगे तो वैसे फैलता हुआ दिखेगा, समझिए ना। तो ये आपके बिल्कुल सहज है, आपको एकाग्रता कितनी करते हैं उस पर केंद्रित है, उस पर डिपेंड कर रहा है, क्या लगे? इसलिए भैया एक बात दिमाग में बिठा लो कि केवली की दृष्टि से हमें सब कुछ देखना है, और जो केवली बता रहे हैं वो वस्तु का स्वरूप है, दोनों में रंच मात्र भी अंतर हो जाए तो फिर केवली का दर्शन नहीं बचेगा, समझ गया? केवल एक अकेले केवली हैं जिनमें दर्शन और ज्ञान युगपत होते हैं, छद्मस्त के पहले दर्शन और बाद में ज्ञान, इसलिए केवली के दर्शन ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एकदम परफेक्ट एक समय में एक साथ है। इसका मतलब कि वस्तु स्वरूप में और केवल ज्ञान का कोई अंतर आप निकाल सकते हैं, निकालो तो आपकी गलती। इसका था कोई नहीं रखती, अगली बार इसकी आपकी चर्चा। आज पर मजा आया, चलो धन्यवाद आपको।